सब्सक्राइब करिए हाइफा स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हाइफा स्टडी चेंजिंग द वे ऐप एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर गया हूँ संस्कृत का मॉक टेस्ट, जो कि आपका एक पहले सेट आ चुका है 30 क्वेश्चनों का। तो 30 क्वेश्चनों का आज आपके लिए फिर से मैं सेट लेकर के आया हूँ, जो कि आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा इसमें भी, और आपको बताना रहेगा 5 सेकंड के अंदर कि कौन सा आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जैसा कि पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, वो दिया गया है कि दिव्य धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है, दिव्यति, दिव्यत या दिव्यत या दिव्यत। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शाह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर शाह इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि कथ धातु लिड लकार प्रथम पुरुष द्विवचन का रूप है, कथश्यथा, कथतः, कथिष्य या फिर कथिष्यथा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, करेक्ट आंसर हो जाएगा कथथा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, अपना 33 नंबर क्वेश्चन है कि नदी शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप है, नदी शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप है, नदी, नद्यः, नदीभ्यः या नदीन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, करेक्ट आंसर हो जाएगा नदीभ। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि द्रविका का हिंदी शब्द है आलू, लौकी, गोभी, मूली। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ब, कौन सा, ऑप्शन नंबर ब गोभी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर की, माधुर्यम लिंग है, पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, नपुंसक लिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन दिया गया है 36 नंबर की, मधु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, मधुना, मधुनी, मधुशः, मधुशः, मधुषु या मधुने। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, मधुषु। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चोरियति में धातु है चुर, चोर, चोर्य या चोरथ। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, चोर। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि लड़ाई संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है या समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, भाववाचक संज्ञा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि बैल का संस्कृत शब्द है उष्ठा, मूसका, महिषी, श्रृंगाला। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, महिषी। अगला हमारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। यह है कि नम धातु विधलिंग परस्मै पद मध्यम पुरुष एक वचन, बताना है नमेह, नमेम, नमे, नमेतम। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह, नमे। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है 41 नंबर, देखते हैं कि पठ धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है, अपठतम, अपठतम, पठानि, पठामि, पठिष्यामि।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर शाह हो जाएगा, कौन सा, पठान में हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि वादतम, वादतम शब्द का हिंदी अर्थ है छुआरा, बादाम, मखाना, काजू। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, कौन सा हो जाएगा, बादाम। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि छाता में वचन है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, एक वचन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि बालाका, बालका उदाहरण है बहुवचन का, एक वचन का, द्विवचन का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, बहुवचन का। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 45 नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि पंचन शब्द का हिंदी शब्द है 15, 5, 8, 25। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, लेकिन यहाँ पर होना था पंचम। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि विभक्ति के भेद हैं 7, 5, 6 या कोई नहीं। तो विभक्त के भेद सभी को पता है, 7 विभक्त के भेद हैं। और हमारा जो अगला क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर की, हरी चतुर्थ विभक्ति एक वचन है हरे, हरिये, हरो, हर्यो। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिये। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन बनता है कि राम, रमा सप्तमी बहुवचन है रमाए, रमाशु, रमे, रामा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा, रमाशु। उसके बाद देखते हैं अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है 49 नंबर की, नदी द्वितीय बहुवचन है नदी, नद्या, नदी है नद्या। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, नदी। उसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि घ्रा शब्द का अर्थ है सूंघना, देखना, हंसना, चुराना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, सूंघना। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देख, अगला हमारा क्वेश्चन है कि 12 को संस्कृत में कहते हैं द्वादशन कहते हैं, द्विविंशत कहते हैं, द्वात्रिशत कहते हैं या फिर द्विव कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, हो जाएगा द्वादशन। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा 52 नंबर की, विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है रामायण है, महाभारत है, शिशुपालवधम है या श्रीमद् भगवत गीता। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीमद् भगवत गीता हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला हमारा 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि महाकाव्यों में सार्वगंभित वाक्यों को कहते हैं सूक्ति कहते हैं, छंद कहते हैं, श्लोक कहते हैं या गर्भवाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, सूक्ति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सूक्ति कहते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि हम दौड़ते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा, हम दौड़ते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा वयम हसति, वयम धावामः, अहम धावति या अहम धावत।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, करेक्ट आंसर हो जाएगा वयम धावामः। अगला हमारा जो क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि शुद्ध वाक्य हैं आवाम पठावह, अहम पठावह, वयम पठाओ, वयम पठामी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, आवाम पठावा। उसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन हमारा है कि इंटरनेट का सूक्ष्म रूम है, रूप है, नेट है, लोड है, चैट है, वेब पेज है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा, नेट है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छत्रम शब्द का क्या अर्थ है, सछत्रम शब्द का क्या अर्थ है, छत्र सहित, छत्रियों की संपत्ति, छत्रियों की विपत्ति या छत्रियों का गुस्सा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, छत्र सहित। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है हमारा वो है ऑप्शन नंबर आ, छत्र सहित। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन हमारा 2015 में दोस्तों पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2015 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा है कि दृशद शब्द का अर्थ है देखना, पत्थर, हृदय या चंद्रमा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बा, पत्थर। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वारिड़ी शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है, स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति, स्त्रीलिंग बहुवचन प्रथमा विभक्ति, पुरलिंग एक वचन प्रथमा विभक्ति या नपुंसक लिंग ये द्विवचन प्रथमा विभक्ति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो बा नंबर हो जाएगा, स्त्रीलिंग बहुवचन और प्रथमा विभक्ति। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि एते शब्द में विभक्ति व वचन हैं, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन या षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर शा, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। दोस्तों ये भी जो हमारा क्वेश्चन है ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है दो तीन क्वेश्चन इसमें प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और ये जो संस्कृत का पेपर होता है हमारा ये होता है 25 नंबर के हमारा पेपर होता है। ठीक है, 25 नंबर के हमारा पेपर होता है, और इसमें क्या होता है जो टाइमिंग होती है वो हमारी होती है 1 घंटे की, और जिसमें कुल क्वेश्चनों की संख्या होती है वो क्वेश्चनों की संख्या होती है 18, और जो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से आप सभी के अतिलेकोत्तरी भी थोड़े बहुत कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसी वजह से इनका जो सेट आता है वो 30-30 क्वेश्चन का आता है, और जो आपके जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी जो बाल विकास और शिक्षण अधिगम और सामाजिक विज्ञान है उसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय, इस वजह से उनका जो सेट आता है वो 60 क्वेश्चन का आता है। तो पर डे 3:30 बजे आपका मॉक टेस्ट आता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ।